हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं एक छोटे से आइटम की, तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक हमने ग्लोब मंगवाया है, 8 इंच का ग्लोब है। वैसे इसका जो डायमीटर है और एक्चुअल लेंथ उसकी अराउंड 10 इंच की है। तो आप देख सकते हैं इसका बॉक्स का साइज़ भी वही है ऑलमोस्ट। इसमें अभी शायद हो सकता है बिल होगा इसका, तो अभी हम वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये तो बिल दिया इन्होंने, ये इसका बिल है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं हम कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, इसके साथ मैग्नीफिकेशन ग्लास है। ये बेसिकली बॉक्स तो इधर से फटा हुआ है वैसे बाहर से, बट अभी देखते हैं कि अंदर से हमको ये क्लीन मिलता है या नहीं मिलता है, कहीं टूटा हुआ ना हो कुछ। ये इसका बेस है, ये इसका मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये इसका बॉल है। तो इसको असेंबल करते हैं जल्दी से। इसमें ये 3 आइटम्स दिया है, एक ये अर्थ ग्लोब है, एक ये बेस है और एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू इसको यूज़ करके भी दिखाएंगे और कुछ डिटेल्स भी बताएंगे यहाँ पे हम आपको चेक करके। तो ये मेटल का इन्होंने दिया हुआ है क्रोम में, और ये डिग्रीज कुछ मेंशन होती है इसकी। ये 180 डिग्री पे चलता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये 90, ये 00 है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे देखिए ये 00 है यहाँ पे मिड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मिड लाइन है इसकी ग्लोब की, अर्थ की, यहाँ पे 00 डिग्री है। यहाँ से ये 90 डिग्री ये साउथ एरिया है और ये नॉर्थ एरिया है ऊपर की साइड का, ग्लोब के अर्थ के ऊपर की साइड का। तो ये 90 डिग्री ये वाला ऊपर का है, ये नीचे का है। तो इसको असेंबल करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे फिट करना है, ये आपका इसका वॉशर लगाना है और ये इधर से टाइट कर देना है। सिर्फ यही है इसका असेंबल मोड। हमने ये टाइट कर दिया है तो ये आपका ग्लोब रेडी हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका मैग्निफिकेशन ग्लास दिया हुआ इन्होंने, क्वालिटी ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको यूज़ करके दिखाएंगे। इसका ग्लोब है तो हम सर्च करते हैं लाइक इंडिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इंडिया दिखाना चाह रहे हैं आपको। वैसे आप देखेंगे तो इंडिया नहीं दिखेगा, बट आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको जूम करके आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है। अगर मैं इसका आपको बताऊं कि ये कितना दिख रहा है बेसिकली, तो नेम अच्छे से पढ़े जा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी छोटा फॉन्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इससे देखूँगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो काफ़ी ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पर क्या है। ये डे टाइम है और ब्लैक इज़ नाइट टाइम, तो इस तरीके से है क्योंकि एक टाइम पे हमारा 12 घंटे के बाद फिर दोबारा से डे और नाइट में चेंज होता रहता है। तो इसके साथ में हमको 3 चीज़ें मिली थी, एक ग्लोब का पीस मिला था, एक इसका बेस मिला था और एक ये थर्ड आइटम इसका मैग्नीफाइंग ग्लास मिला था। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे पास अभी के लिए यही था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।